एनिमल मूवी को रिलीज होने में बस 2 ही दिन का समय बचा है, और ऐसे में जो कि सैम बहादुर उसके साथ रिलीज होने वाली मूवी है उसके लिए लोगों को लगता है कि शायद वो फ्लॉप हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां एनिमल मूवी को लेकर के इतनी हाइप है सोशल मीडिया में, वहीं सैम बहादुर को लेकर के उतनी बातें कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में बहुत से लोगों को लगता है कि शायद एनिमल के सामने सैम बहादुर नहीं टिक पाए। लेकिन यार क्या आपके मन में एक बार भी ये सवाल नहीं आ रहा है कि मतलब सैम बहादुर जो है वो एक रियल लाइफ हीरो के ऊपर बनी हुई फिल्म है और जो एनिमल है वो एक फिक्शन मूवी है? तो इस हिसाब से अगर लॉजिकली देखें तो उसके लिए भीड़ ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसकी हाइप बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सैम बहादुर की ना सिर्फ कहानी बल्कि उसका जो कैरेक्टर है वो भी बिल्कुल असली है। और वहीं अगर बात करें एनिमल मूवी की, तो एनिमल मूवी कितनी भी अच्छी हो वो है तो एक फिक्शन मूवी ही, तो फिर एनिमल मूवी को लेकर के इतनी हाइप क्यों है? बताते हैं आपको, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल दोस्तों एनिमल मूवी के इतनी हाइप के पीछे में 3 मेजर कारण है। सबसे पहला और सबसे खास कारण है रणबीर कपूर की एक्टिंग। मतलब यार जब भी नेपोटिज्म का नाम आता है तो रणबीर कपूर का नाम भी उसमें आता है, लेकिन ऋतिक रोशन के बाद रणबीर कपूर ही इकलौते ऐसे एक्टर है जो नेपोटिज्म का हिस्सा होते हुए भी कमाल की एक्टिंग करते हैं। मतलब उनकी आप कोई भी मूवी देख लीजिए, उस मूवी में जो उनको कैरेक्टर दिया जाता है वो उस कैरेक्टर में एकदम घुस से जाते हैं। जैसे कि अगर आप संजू मूवी को देखेंगे तो उसमें बिल्कुल वो संजय दत्त वाली एक्टिंग कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि वो रणबीर कपूर है। वहीं अगर आप ब्रह्मास्त्र मूवी उनकी देखेंगे तो बिल्कुल वो सुपर हीरो वाली फीलिंग दे रहे हैं। अब उसके बाद एनिमल मूवी के वायलेंट कैरेक्टर को भी ऐसे निभाया है मानो वो शुरू से ही वायलेंट हीरो की एक्टिंग करते आ रहे हैं। मतलब उनकी एक्टिंग को देख करके आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मानो वो पहली बार वायलेंट हीरो का रोल निभा रहे हैं। मतलब प्योर एक्ट, मतलब अगर आप ट्रेलर के फर्स्ट 20 सेकंड ही देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से उसने अपने कैरेक्टर को उस तरह से ढाल ली। मतलब यार ये जवानी है दीवानी और संजू जैसे मूवीज में एक्टिंग करने वाला बंदा मतलब इस तरह का एक वायलेंट कैरेक्टर भी कर सकता है कोई नहीं विश्वास करे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद मुझे तो नहीं थी, बट दिल जीत लिया भाई। अब दूसरा मेजर कारण है दोस्तों संदीप रेंडीबागा का डायरेक्शन। मतलब यार इनकी डायरेक्शन ने एक चॉकलेट बॉय को वायलेंट हीरो बना दिया। और देखो यार बहुत ही कम डायरेक्टर की ऐसी मूवीज होती है जिनकी मूवीज रिलीज होने के बाद, हिट होने के बाद भी अलग ही चर्चा पर रहती है। जैसे कि संदीप रेंडीबागा की जो कबीर सिंह थी वो बाद में भी चर्चा में थी कि कबीर सिंह जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर है या फिर पॉजिटिव कैरेक्टर। तो सोचो अगर कबीर सिंह के कैरेक्टर को लेकर के नेगेटिव या पॉजिटिव का चर्चा चल रहा था तो सोचो एनिमल मूवी में जो रणवीर कपूर का जो कैरेक्टर है उसके बारे में किस तरह की चर्चा हो। खैर दोस्तों वैसे भी संदीप रेंडीबागा ने कहा था कि अब मैं बताता हूँ कि वायलेंट मूवी किसे कहते हैं। खैर वैसे ट्रेलर को देख करके इतनी उम्मीदें बढ़ गई हैं तो सोचो मूवी जो 3.5 घंटे की है वो किस तरह की होगी। मतलब 3.5 घंटे नॉनस्टॉप एक्शन गूज़बम्प्स। खैर दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे मेजर पॉइंट की, जो कि है इस मूवी की स्क्रिप्ट या फिर कहें इस मूवी के प्लॉट। मतलब यार बाकी जो 2 कारण है वो शायद उतने मैटर नहीं करते इस मूवी के हाइप के लिए, लेकिन ये जो तीसरा कारण है यानी कि इस मूवी की स्क्रिप्ट जो है वो मेन कारण है। क्योंकि इस मूवी की जो स्क्रिप्ट है और इस मूवी का जो प्लॉट है ये बहुत से यंगस्टर का जो लाइफ है उससे रिलेट करता है। जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि उसके पापा और उसकी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन वो प्यार बहुत करता है अपने पापा से। बचपन में जरूर अपने पापा से डरता था बट अब नहीं डरता। तो ऐसी जो बातें हैं वो बहुत सारे यंगस्टर के जो लाइफ में ऐसी हो चुकी हैं जो कि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं बचपन में, जिसके चलते वो उतनी बातें नहीं कर पाते हैं और उतनी बात शेयर नहीं कर पाते, उनकी अपने पापा से उतनी नहीं बनती बट वो प्यार बहुत करते हैं। तो क्योंकि एनिमल मूवी का जो प्लॉट है वो बहुत सारे यंगस्टर के लाइफ से रिलेट करता है, जिसके चलते बहुत सारे यंगस्टर अभी इस मूवी को लेकर के बहुत एक्साइटेड है। बट पर्सनली इस कैरेक्टर के जैसे बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो बहुत ही बुरा होने वाला है और बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर होने वाला है। अब जैसे कबीर सिंह देखने के बाद बहुत सारे लड़कों को मन था कि वो कबीर सिंह बने, बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यार जो आप मूवीज में देखते हो वो एक फिक्शन होता है, सब कुछ एकदम पहले से तय होता है, तो उनके लिए ठीक है बट रियल लाइफ में आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे कैरेक्टर्स को अपना आइडियल बिल्कुल भी मत मानना और खुद को इस तरह से बनाने की कोशिश मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। खैर दोस्तों यही 3 मेजर कारण है एनिमल मूवी की इतनी हाइप की। और अगर बात करें सैम बहादुर की, तो सैम बहादुर फ्लॉप तो नहीं होने वाली। मतलब हो सकता है कि कमाई के मामले यानी कि कलेक्शन के मामले में एनिमल के साथ क्लैश होने के चक्कर में इसका कलेक्शन कम आ सकता है, बट ये मूवी फ्लॉप तो नहीं होने वाली, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो भी कमाल का है, ऊपर से इसकी जो स्टोरी है वो रियल होने वाली है, तो लोगों के बीच में रियल स्टोरी को लेकर के हाइप बाद में बनती है ना कि पहले बनती। मतलब ऐसा होता है कि जब वो मूवीज देखते हैं ना तो लोग एक दूसरे में बातें करते हैं कि यार ये मूवी बहुत अच्छी है, और फिर जो रियल कैरेक्टर है इस मूवी का उसको गूगल पे सर्च करते हैं और जब रिलेटेबल लगता है तो फिर लोग इस कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए मूवी देखने जरूर जाते। तो ऐसे में अगर सैम बहादुर को लेकर के उतनी हाइप नहीं है तो ये चिंता की बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि इसके रिलीज होने के बाद इस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि अभी नजर नहीं आ रही। खैर दोस्तों एनिमल और सैम बहादुर में से आप किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में लिखना ना भूले, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय।